हे गाइस, सो यार आज अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बारे में। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, कब क्या सारा सीन है, क्या इसका प्लेसमेंट रेशियो होता है, कितना अच्छा कॉलेज है, बुरा कॉलेज है, इसके बारे में आज अपन कंप्लीट के अंदर डिस्कस करेंगे। सो यार, यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी चीज जो होती है वो होती है डेस्टिनेशन, लोकेशन क्या है। और जो है ये केरला स्टेट के अंदर है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो एजुकेशनल नर्सेस एंड टीचर्स एंड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एजुकेशन क्वालिटी, वो स्टेट है कोटा के बाद में। ठीक है, कोटा तो इसकी फिर से भी प्रिपरेशन करा रहा है, लेकिन हाँ जो है केरला के लोगों की अगर अपन बात करें तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है यार। अगर अपन बात करें उनके डॉक्टर्स की कंडीशन, यानी कि एवरेज पर्सन जस्ट लाइक ऑल टोटल क्राइम एंड अदर तो मिनिमम है इन ऑल दिस इंडिया। ओके, सो अच्छी डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा है, हमारा मेन मोटिव है हमारा बात करना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के बारे में। सो यार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के अंदर आपको सीओ सीटी से बीटेक की डिग्री नहीं मिल सकती। आपको जो है सीओ सीटी से इसके अंदर कौन कौन सी डिग्री मिल सकती है, इसके अंदर जो है हम चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं इसके अंदर जो है कौन कौन सी डिग्रियां मिलती है। तो मैं आ चुका हूँ गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर हम डालेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, तो देन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, देन क्लिक करने के बाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है धीरे धीरे, जैसा कि आप सब कहते हैं गवर्नमेंट वालों की बहुत धीरे चलती है गाइस। ओके, सो ऑलमोस्ट जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है अभी हमारी। एक एक बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन होने वाले हैं सीयूसीटी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा टेस्ट होता था वो होता था सीयूसीईटी, यानी कि यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके होता था कि जो है जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां थी, यानी कि 12-13 जितनी भी पार्टिसिपेट कर का एंट्रेंस एग्जाम कॉमन होता था, सभी का एक एग्जाम होता था। लेकिन जैसे कि अगर अपन बात करें डीयू वगैरह, वो क्या कर लेती है, डीयू जवाहरलाल नेहरू एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब यार इसे तो साफ साफ यही निकल के आ रहा है कि सब अपना अपना अलग गलत है। ओके, नॉट गुड, और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, किसी भी हो सकता के अंदर 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर 42 एग्जाम दिए थे, ये 42 अपना अलग लेंगे तो क्या बच्चे इतने पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाए। अब जैसे कि एक बच्चा सीयू 100 रुपए लगते थे भर देता था, अब 42 यूनिवर्सिटी यहाँ है, एक एक यूनिवर्सिटी की जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए इतनी फीस होती है, तो 42 यूनिवर्सिटियों की फीस होगी टोटली 40,000। अब उसका गारंटी थोड़ी है कि वो तो इसको तो सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब वो 42 यूनिवर्सिटी तो यार एंट्रेंस तो टेस्ट होने वाला है, वो ऑलमोस्ट के लिए कॉमन ही होना चाहिए। फिर तो जो जितने बच्चे सभी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे, इसी यूनिवर्सिटी अलग एग्जाम कंसिडर करा पाना बहुत ही मुश्किल सिस्टम है। जो एडमिशन से अभी चल रहे हैं यानी कि ओपन है, तो जो है कि अगर किसी का कोई पीएचडी का कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर सकता है। ओके, जैसे पेपर वगैरह होनी चाहिए। चलो छोड़ो इसको, हम चलते हैं हमारे। यार बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी था कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, कब इनकी लास्ट डेट होने वाली है, कब एग्जाम होने वाला है, और हम एग्जाम की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, कोई एग्जाम कोई सुझाव, कोई बेस्ट प्रिपरेशन बुक एंड कोई कोर्स स्ट्रक्चर कुछ बता दीजिए। यार अगर अपन बात करें इसके एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जनरली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाता है लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फिर मार्च के अंदर, ड्यू टू कोरोना वायरस। इस बार अगर अपन बात करें तो इस बार जो लास्ट वीक ऑफ मार्च तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं, आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसी मार्च के महीने के अंदर आपके जो एग्जाम है वो मई के सेकेंड वीक तक कंडक्ट किए जाएंगे, और आपका जो ऑलमोस्ट एडमिशन प्रोसेस जुलाई तक सेकेंड वीक तक खत्म होना चाहिए, और जो आपकी क्लासें हैं वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसा सब कुछ जो है प्रोग्राम चल रहा है। जो अगर अपन बात करें यार इसके प्रिपरेशन की, तो आप हमारा जो है प्लान ले सकते हैं। हमारे पास दो प्लान अवेलेबल है, एक जो है प्राइम मेंबरशिप है, देन दूसरा जो प्लान है दिस इज एन सिंपल मेंबरशिप प्लान। अगर आप हमारा प्राइम मेंबरशिप प्लान लेते हैं देन यू आर गेटिंग मेनी मेनी बेनिफिट्स। अगर हम आपका बाई चांस अगर एडमिशन नहीं करा पाते हैं तो हम आपका किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो कराएंगे ही कराएंगे, ऐसा कॉलेज जिसकी फीस लोवेस्ट हो और उसका जो प्लेसमेंट है वो मिनिमम 15 LPA का हो, यानी कि 15 लाख का, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, UGC AICT अप्रूव्ड। इसके अंदर हम आपका ट्राई करेंगे कि करवा सके अगर आपका बाई चांस अगर CU CT में नहीं करवा पाते हैं तो। और हाँ,
अगर हम नहीं करवा पाते देन आपका रिफंड भी हम आपके अकाउंट के अंदर इनिशिएट कर देंगे, आपका रिफंड भी आपको हम वापस रिफंड प्रोवाइड कर देंगे। सो और हाँ, अगर आप हमारी जो टीम है वो टॉप CUCT, IITs, NITs, IIITs, DU जामिया, ओके, ISERS, IACS, KUPWISE, जस्ट लाइक IISc, वहां से जो मेरे टॉप मेंटर्स गाइडर्स है, तो आपको जो है सारा का सारा पढ़ाएंगे हमारे जूम पे या फिर हमारी वेबसाइट पे आपको पढ़ाया जाएगा, लेक्चर दिखाया जाएगा, PPT, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, जो कि आप जो प्रिपेयर कर सको आपके एग्जाम के लिए और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सको। ठीक है, तो हमारा तो यही मेन मोटिव रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अब अपन देखते हैं कि क्या PDF। ओके, सो गाइस, ये वेबसाइट है जो है, इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ये कोर्सेज जो है ये प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक BA इंटरनेशनल रिलेशन, MA इकोनॉमिक्स, MA इंग्लिश, एंड ये जितने भी कोर्सेस है ये प्रोवाइड करती है। यार ये कोई BTECH वगैरह कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करती, स्पेशली जो है PG कोर्सेज कुछ ज्यादा ही है। जो ये जो कोर्सेस है MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री, MSc जूलॉजी, इसका जो है कुछ ज्यादा ही डिमांड रहता है, और सीटें जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर फटाफट से भर जाती है, सीटें ब्लैंक बिल्कुल रहती ही नहीं है, स्पेशली मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, फिजिक्स है, बिल्कुल एक भी सीट खाली नहीं बचती है, एकदम खच खच करके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सारी सारी भर जाती है सीटें। ओके, और कोर्सेज यार बहुत अच्छे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, जिसका फ्यूचर में कुछ जाके आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ओके, और अगर आपको डिस्कस करना हो हमारी टीम से कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं बेटर है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो दो प्लान आपको दिए गए हैं, एक नॉर्मल काउंसलिंग प्लान है, ओके, या फिर आप जो है हमारे मेंबरशिप प्लान मान सकते हो, या फिर दूसरा जो प्लान है वो हमारा प्राइम मेंबरशिप प्लान है। दोनों के अंदर ही हम आपको 0 से लेकर लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपके हम साथ रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।